हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल है आप सभी के? दोस्तों, जो मैंने CET की खबर कल आपको बताई थी कि आपका जो CET का नोटिफिकेशन है, रूल रेगुलेशन है, वो बन चुके हैं और फाइनल मंजूरी लगभग हो गई है, बस लास्ट पॉइंट पे काम बाकी था। और ये चीज़ मैंने कल ही आपको बता दी थी कि CET का नोटिफिकेशन अब बहुत जल्द आने वाला है। तो दोस्तों, पूरी न्यूज़ देखिए, आज CET के बारे में न्यूज़ आई है, वो ही हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, आप ये देखेंगे, और CET का एग्ज़ाम कब होगा इसके ऊपर भी विचार विमर्श करेंगे। तो यदि आप जानना चाहते हैं पूरी अपडेट को, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रैक्टिस से ही आदमी परफेक्ट बनता है, यदि आपको CET की अपनी तैयारी परफेक्ट करनी है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। सिलेबस कवर करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो प्रैक्टिस करने का मौका हज़ारों बच्चों के बीच में हम आपको दे रहे हैं। 7 मई को CET का टेस्ट होने वाला है ऑफलाइन, पूरे हरियाणा में 40 सेंटरों पर। इसके रजिस्ट्रेशन आज बंद हो जाएंगे 10 बजे। तो ये आपके पास मौका है, KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पे अपना अकाउंट बना के रजिस्ट्रेशन कर लो और कल टेस्ट में बैठ के हज़ारों बच्चों के बीच में अपनी तैयारी को परख लो। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अभी तक चीज़ें आ रही थी कि ग्रुप डी के रूल रेगुलेशन अभी नहीं बने हैं। तो यहाँ पे देखिए, हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों की भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट CET संशोधित पॉलिसी मंत्रिमंडल से मंजूर हो गई है। तो जो नई रूल रेगुलेशन है वो मंत्रिमंडल से मंजूरी ले ली गई है और अब CET का नोटिफिकेशन देखिए कब आएगा। 1-2 दिन में अधिसूचना जारी होगी। शिक्षक भर्ती के लिए CET नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करते थे, तो मैंने पहले ही बता रखा है कि टीचर्स भर्ती में आपका CET लागू नहीं होगा, ठीक है। तो गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि CET का जो रूल रेगुलेशन है वो बन चुके हैं। 1-2 दिन में आपकी ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन वो आपका जारी होने वाला है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, नंबर लेने अनिवार्य है। यदि 95 नंबर का अंक का CET होता है, प्लस में 5 वो दूसरे रहेंगे, 100 सेकंड में क्राइटेरिया रखे, तो उसमें क्या रहेगा, जनरल कैटेगरी के लिए 47.5% अंक लेना ज़रूरी है और आरक्षित रिजर्वेशन वाली कैटेगरी के लिए 40 अंक लेना ज़रूरी है। यदि आप इससे कम लेते हो तो वो CET आपका माना ही नहीं जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे परिवार की भाषा क्या बताई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। परिवार के उद्देश्य के लिए परिभाषा है और ये चीज़ें अभी हम इसको नहीं देखते हैं, क्योंकि हम ये चीज़ें जब CET का नोटिफिकेशन आएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, उसके अंदर ही देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अखबार कुछ चेंजमेंट कर सकता है। योग्यता दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से योग्यता डिस्कस की गई है, ठीक है। तो ये अपडेट थी दोस्तों आप सभी के लिए, ये चीज़ें मैंने कल आपको सारी चीज़ें बताई दी थी। बाकी दोस्तों देखो, CET का एग्ज़ाम आपका जून के अगले कुछ महीनों में होना, 2022 में एग्ज़ाम पक्का होगा और जून के अगले कुछ महीनों में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो यदि आप CET एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ऐप पर पूरा का पूरा बैच भी उपलब्ध है, जो हरियाणा की नंबर 1 टीम, जो क्वालिटी के मामले में अपना नाम जिसने बनाया है वो टीम है KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर। और दोस्तों, प्रैक्टिस करने का मौका हम दे रहे हैं आपको पूरे हरियाणा में, हज़ारों बच्चों के बीच में HSSC वाली फीलिंग। 7 मई को एग्ज़ाम होगा, 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक रजिस्ट्रेशन आज बंद हो जाएंगे। फटाफट से अपना रजिस्ट्रेशन कर लिए, 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।